सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी जानकारी के साथ व्यवसाय सीतापुर। मैं हूँ प्रेम वाजपेयी की। आपको बता दें कि थाना थान गांव इलाके में महमूदाबाद व्यवसाय मार्ग पर एक ब्लोरो की टक्कर से बाइक सवार चचा भतीजे दो लोग जख्मी हुए और दोनों जख्मियों को व्यवसाय सीएसजी में पुलिस थाना थान गांव द्वारा लाया गया है। वहीं पर दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और दोनों को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद रेफर कर दिया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि चंदौली गांव थाना थान गांव के बदलू पुत्र मैकू बाइक चला रहा था और इनके साथ में कामराज पुत्र छोटे लाल निषाद ये लोग पीछे बैठे हुए थे और ये खाना खा करके शाम टाइम सड़क को क्रॉस कर रहे थे और उसी चंदौली घाट के पास बने एक विद्यालय के निकट एक बेकाबू ब्लोरो ने जबरदस्त सामने से टक्कर दे दी, जिससे कि बदलू भतीजा और चाचा कामराज गंभीर रूप से जख्मी हो गए और दोनों को पहले जख्मियों के परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो वहीं पर सूचना थाने को गई थान गांव और वहां पर सूचना पर थाना थान गांव की पुलिस साथ में कांस्टेबल राम आशीष और राजेश सिंह कांस्टेबल होमगार्ड मिथिलेश सिंह तत्काल मौके पर पहुंचकर अपनी गाड़ी से रेवसा सेसी पहुंचाया है, जहां पर दोनों का प्राथमिक उपचार डॉक्टर रेवसा सेसी प्रभारी अनंत मिश्र के द्वारा किया गया। वहीं पर डॉक्टर अनंत मिश्र के द्वारा बताया गया कि हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। मामला थाना थान गांव के ग्राम चंदौली गांव का है, देर रात करीब 9 बजे का, और उस वक्त हुआ हादसा ये जब ये सड़क को पार कर रहे थे क्रॉस और घर से खाना खाने के बाद कहीं जा रहे थे। इस समय रेवसा सीएसजी में करीब 9 बजे का टाइम है जहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ रेवसा सीएसजी के प्रभारी अनंत मिश्र स्वयं ड्यूटी का चार्ज संभाल रहे हैं रात और दिन इस समय यहीं पर रुक करके और लोगों को बेहतर सेवा दे रहे हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब की, क्योंकि यहाँ पे अभी थाना थान गांव इलाके में महमूदाबाद और रेवसा रोड चंदौली के पास एक ज़बरदस्त बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार चाचा और भतीजे जख्मी हुए हैं, जिनको थान गांव की पुलिस के द्वारा एक मानवीय चेहरा दिखाते हुए यहाँ पर लाया गया है। दोनों के हालात कैसे हैं डॉक्टर? अभी जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है महमूदाबाद रोड पे हुआ है, तो उसमें जो है दो लोग आए हैं, थाना थान गांव के पुलिस के द्वारा लाए गए हैं, जिसमें से एक बेटे का नाम कामराज है सनाथ छोटेलाल और दूसरा नाम है बदलू सनाथ मैकुला। इसमें से जो कामराज हैं इसके जो है पैर में चोट है और सर पे चोट है और पैर में जो है लग रहा है कि जैसे पैर में फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इसको जिला अस्पताल रेफर कर रहे हैं ताकि जो है एक्सरे भी हो सके और उसका प्लास्टर आगे भी कर जो है। अच्छा, दूसरा जो बदलू व्यक्ति है उसके सर पे चोट है और उसको जो है उल्टी भी हो रही है, दवा दी गई इंजेक्शन, लेकिन चूँकि अगर सर पे चोट लगने के बाद वोमिटिंग या अनकॉन्शियस होता है तो होता है कि हो सकता है कि जो है क्योंकि चौपहिया वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है कि हर इंजरी थोड़ी बढ़ी हुई हो, इसलिए उस व्यक्ति को भी जो है हम जिला अस्पताल रेफर कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे हर इंजरी का चांस होगा तो वहाँ पर दोनों को रेफर कर दिया गया है। जी हाँ। अच्छा, थाना थान गाँव के राम आशीष कांस्टेबल जो गौलोक कुंवर में सेवा दे रहे हैं चौकी पर बॉर्डर पे, ये बताएं जी ये कैसे कहाँ पे थे, किस हालत में इनको लाए? ये चंदौली ग्राम पहुँच चंदौली में चंदौली घाट पास गाड़ी से टक्कर लग गया था। कहाँ से हुआ है? जब वहाँ मैं पहुँचा तो देखे कि उसी रोड किनारे पड़े थे। अच्छा, तुरंत इनको उठाया और गाड़ी मिला के ले चला। कई लोग थे? दो लोग थे। अच्छा, उस जगह पे ये लोग कहाँ से थे? ये लोग बाइक से थे। अच्छा, बाइक से थे। और हुआ कहे से, टक्कर कहे से लगी है? गाड़ी पता नहीं चला, लेकिन सब बता रहे चार पहिया। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थाना थान गांव की पुलिस गाड़ी है और यहाँ पर चौकी प्रभारी राम आशीष कांस्टेबल का चेहरा दिखाई दे रहा है।
और उनके साथ में राजेश कांस्टेबल राजेश सिंह का है, होमगार्ड मिथिलेश सिंह है। ये पुलिस का एक मानवीय चेहरा यहाँ पे देखने को मिला है। हम आपको आगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी घटना को बताएंगे और देखेंगे, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पुलिस हर वक्त लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलकर साथ में दिखती है। और ये करीब 8 बजे का मामला है, ये तस्वीरें हैं और स्थानीय रोसा सीएचसी की हैं, जहां पर एक युवक को बोलेरो की टक्कर से वो जख्मी हुआ और आनन फानन में सूचना पर तत्काल अविलंब थाना थान गांव की गाड़ी कांस्टेबल रामाशीष और राजेश सिंह कांस्टेबल मिथिलेश होमगार्ड इनके लोगों के द्वारा तत्काल खून से लथपथ और खाकी वर्दी में जरा भी नहीं सोचा कि वर्दी ख़राब हो जाएगी और अपने हाथों से उसको लाद करके यहाँ रेवसा सेसी पहुँचाया है। हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, उसके परिजनों के साथ में जो उपस्थित हैं उनकी भी तस्वीर, उनके बातचीत के अंश। वास्तव में एक मानवीय चेहरा यहाँ पे पुलिस का देखने को मिला। यह थाना थान गांव की पुलिस है और हम बातचीत भी करेंगे कुछ यहाँ पर जो उपस्थित हैं, किस हालत में कैसे आए और पूरी तरीके से जो सरकार के नियम हैं कोविड 19 के मद्देनज़र को यहाँ पर इन पुलिस कर्मियों ने पूरी तरीके से ध्यान रखा है, मास्क और पहने हुए हैं। जहाँ गाड़ी है वहीं साइकिल मोटर है, पूरी अगला है। बात करते हैं इन लोगों से, जख्मियों से, परिजनों से। क्या नाम है आपका? सोहन लाल। पिताजी का? छोटे लाल। ये आपके कौन है? कामराज भाई हैं। क्या नाम है? कामराज। कामराज, अच्छा। पिताजी का? छोटे लाल। छोटे लाल। घर कहाँ है? कनौली घाट। ये क्या हुआ है इनको? एक्सीडेंट हुआ है, रोड हाईवे यहाँ के परी है। किस रोड पे हुआ? यही वाले हाईवे रोड पे। अरे कौन ही रोड? बिस्मा रोड बिस्मान है वो, महमूदाबाद से बहरेज वाली महमूदाबाद रोड पे। किस गांव के पास हुआ है? वही चंदौली घाट पे पास। ये काहे से सवार थे? ये साइकिल मोटर से रहा है, वो रहा है। ये अकेले थे? दो लोग थे? दो लोग रहे, निकल एक्सीडेंट हुआ है हाईवे यहाँ पे है और हुआ है। हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ। ये दो लोग थे, बाइक कौन चला रहा था? वो जो वो पर आया है। अच्छा, दो लोग जख्मी हैं। अच्छा, ये पीछे सवार थे? कहाँ गए थे? ये रहे तो हमारे यहाँ खाना खाते रहे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? चंदौली घाट। चंदौली घाट के हैं। खाना कौन लगता है चंदौली घाट का? थान गाँव। अच्छा, ये कहीं जा रहे थे क्या? नहीं नहीं, घर से खाना खाए के जैसे बंगला है दूसरी का इनके यहाँ, हमारे यहाँ का पर खाना खाए के फिर जाते रहे अपने सोने। अच्छा, अपने कहाँ सोने जा रहे थे? अपने घर पे, निजी वाले पे जहाँ हम रहते रहा। अच्छा, वो घर कहाँ पर है? वो गांव में है, अंदर है। अच्छा, अंदर है। तो ये खाना खाने गांव के बाहर आए थे क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, फिर ये काहे से जख्मी हुए हैं? किसने ठोकर दी? चरपहिया। वो भाग गई है? नहीं है, वो यहीं फंसी खड़ी है जैसे अंदर। ठीक है, ये कैसे यहाँ तक पहुँचे? इनको कौन लाया यहाँ? साहब लोग लाए। कौन साहब है? कहाँ के हैं? यही लोग हैं। नाम जैसे नाम बोलो। क्या है ये? नहीं जानते हैं भाई, साहब लोग गए। नशे में हो क्या? है? नशे में हो? नहीं नहीं। शराब पीते हो? नहीं नहीं। नहीं तो इनको यहाँ पर लाया कौन? पुलिस लाई है कि कैसे? अपने आप लाए हैं, पुलिस लाई। कहाँ की पुलिस लाई? यहीं की लाई है। अरे थान गांव की लाई होगी, हम नहीं जान पाए। वो थान गांव की पुलिस के द्वारा यहाँ लाया गया। अच्छा अच्छा, इनकी उम्र क्या होगी? 34-35 साल। अच्छा अच्छा, क्या नाम है इनका? बदलू। बदलू, ये बदलू की तस्वीर है जो जख्मी हुए हैं। पिताजी का क्या नाम है? मैकू। मैकू, कौन लोग हैं? केवर। केवर, कहाँ के घर है? चंदौली। चंदौली घाट, खास चंदौली? खास। थाना थान गाँव लगता है? थाना थान गाँव। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे थे? अपना गाँव के पास, स्कूल के पास एक्सीडेंट हुआ। अच्छा अच्छा, बोलो। और
कामराज। कामराज, अच्छा पिताजी का क्या नाम है? छोटेलाल। छोटेलाल, घर कहाँ है? चंदौली घाट। अच्छा अच्छा, ये कैसे चोट लगी है आपको? ये मतलब इधर से हम जा रहे हैं, उधर से बिलोरा क्या है, बिलोरो किधर से आ रहे थे? वो बहुत स्पीड में आवत रहा है, ब्रेक मारे से निकल निकल के हम हो आओ बहुत तेज मावा। अच्छा तुम किधर से जा रहे थे? हम इधर से रेवसा से। किधर जा रहे हैं? रेवसा की तरफ आ रहे थे? रोड क्रॉस खरीद रहा है, रोड क्रॉस कर रहे थे तब हादसा हुआ है। अच्छा, स्कूल के पीछे मिला दिया है तब लड़ाया। बहुत ही तेज मावा है, मेरे को मायूस होने का। रोड पे ये जख्मी है और जख्मी से बातचीत के आंसर आपको सुनाने को मिले। कर लिया मैं साहब तो थाने गांव के बैठ गए रहा भी, जब इनका बोलेरो वहीं खड़ी है, वहीं खड़ी है, वहीं में गाड़ी घुसी पड़ी। अच्छा अच्छा, गाड़ी उन्हें समझ पड़ी है और जिससे हादसा हुआ है एक्सीडेंट, वो बोलेरो जो है उसमें क्या चालक वगैरह फरार हैं कि मौके पे मिले? नहीं, वही खड़े हैं वही। अच्छा, आदमी भी खड़े हैं? पुलिस की कस्टडी में है? नहीं नहीं, वो घर मालिक। तुम्हारे घर वालों के उसमें? अच्छा अच्छा, बड़े मन करा कि मैं नीचे मोटरसाइकिल के नीचे भैया है। अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था तो वही यह है अस्पताल में। हेलो भैया, कोई सनी घर पर जाओ, मैं बता ही देते हैं हरी सनी पहले गाड़ी लेकर भूसा भूसा लेकर आया है। एक घर मैंने लटिया गिलास रखी है, सीतापुर जाए और पैसा वैसा थोड़े